Like a Hellcat. तो हेलो फ्रेंड, आज जो कि एक नई वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि YT स्टूडियो में वीडियो सेविंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और अगर कई बार होता है अगर आप अपलोड करते हो और सेव करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगर आता है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, देयर वाज ए प्रॉब्लम सेविंग सेम चेंजेस, इस प्रकार से अगर आपके लिखा हुआ है तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लिया तो आपको यहाँ पर सर्च करना है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है, और यहाँ से अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको सिंपली से आप क्लिक करके अपडेट कर लेना है। क्योंकि अगर आपको अपडेट मांगा है और अगर आपका पुराना वर्जन है तो सही से काम नहीं करता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपडेट कर लिया हूँ। अपडेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग जो होता है उसको आप ओपन करना है। तो अपने सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल का एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। तो मैं सिंपली अपने मोबाइल की एप्लीकेशन मैनेजर पर जाता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ अपना YT स्टूडियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे YT स्टूडियो आ गया। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले स्टोरेज यूज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो YT स्टूडियो का डेटा वगैरह है सबको यहाँ पे क्लियर कर देना है। क्लियर डेटा पे क्लिक करके क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। तो चलिए हम बैक आ गए। अब इसके बाद आप फिर से YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं ये वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग करके इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं वीडियो का टाइटल बदल देता हूँ, और मैं फिर सेव करके दिखाता हूँ कि अगर ये ट्रिक वर्क करती है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं अपना वीडियो का टाइटल बदल चुका हूँ, यहाँ पे टाइटल लगा दिया हूँ, और अब सिंपली मैं इसको सेव करूँगा। तो चलिए सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो सेव हो चुका है। तो अगर आप भी इस तरीके से करते हैं तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि टैक्स रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।